विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिव्यांगों से मुलाकात की और हालचाल जाना। इसी दौरान दिग्विजय सिंह के पीएफआई वाले बयान पर मंत्री ने पलटवार किया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर बयान दिया है और कहा है कि प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश में इलेक्शन टूरिज्म करने के लिए आती हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय सनातन का हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। वो देश जो देश को तोड़ेंगे वो दिग्विजय सिंह जी के लिए अच्छे होंगे। जो देश को तोड़ने की बात करेंगे उनका संरक्षण दिग्विजय सिंह करेंगे। आज उन्होंने पीएफआई का भी समर्थन किया तो उसके साथ साथ उन्होंने फिर जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो युद्ध हुआ और खासकर हमास ने जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां करके इसराइल में जो हिंसा की उसका भी समर्थन किया। इसराइल का विरोध करना फिलिस्तीन का समर्थन करना मतलब आतंकवादियों का आप समर्थन कर रहे हैं। देखिए प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश आती हैं इलेक्शन टूरिज्म करने के लिए। प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश में आती हैं चुनाव के बाद अनर्गल बातें करने के लिए। प्रियंका दीदी आदिवासियों के संरक्षण की बात कर रही हैं तो वो ये भी बता दें कि जिन कमलनाथ जी के साथ वो मंच साझा कर रही हैं वो कमलनाथ जी से पूछे ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को जो 1,000 रुपए महीना देने की योजना बनाई थी उसको कमलनाथ जी ने क्यों रोका। वो इस बात का भी तो खुलासा करें आदिवासी भाई बहनों के बीच में कि देश में पहली बार इस देश की आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने दिया था उसका विरोध कांग्रेस ने क्यों किया। वो ये भी तो बताएं कि 50-55 वर्षों तक कांग्रेस लगातार इस देश में इस प्रदेश में राज करती रही पर आदिवासियों का भला क्यों नहीं हुआ। केवल चुनाव के वक्त आदिवासी भाई बहनों को वोट के रूप में उपयोग करने वाली कांग्रेस केवल और केवल चुनाव के वक्त इस तरह की अनर्गल बातें करती है। उनको न आदिवासी वर्ग के कल्याण से लेना देना है न समाज के किसी और वर्ग के कल्याण से लेना देना है। वो दिव्यांग भाई जिनको दृष्टि की भी दिक्कत है और बाकी भी दिव्यांग जनों से आज हमने मुलाकात की। वैसे तो ये दिव्यांग भाई अपनी जिंदगी बहुत ताकत के साथ जी रहे हैं। हो सकता है उनको शारीरिक रूप से कुछ कमी हो परंतु उस वो कमी को नकारते हुए अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। इसमें से बहुत सारे दृष्टिहीन हमारे दिव्यांग भाई ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं ब्रेल लिपि में वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त करने की और अग्रसर हो रहे हैं। हमने आज उन सबसे मुलाकात की उनसे आशीर्वाद लिया। फिलहाल वक्त हो चला